رب اشرح لي صدري واحلل لقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا असलम वरहत ला वर्का कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे ताला तो आज जो हमारा एपिसोड है वो एपिसोड टू है ठीक है सबसे पहले तिलावत सुन लेते हैं फिर इंशाल्लाह अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं آه اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم جي، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ غیبت کیا ہے غیبت आज की जो वीडियो है हम उसमें देखेंगे गीबत की मिसालें ठीक है थीके? अच्छा ईबत की मिसालों में जैसे हम किस तरह ईबत करते हैं बातों बातों में ना जैसे यहाँ पर पहली मिसाल आपने देखी मेरी नंद बहुत बदतमीज़ और बदजुबान है मुझे बहुत जहर लगती है तो हम बाज़त जैसे ये आमतौर पे पर भाभियाँ करती हैं ना बहुएं करती हैं भाभियाँ करती हैं मैं के जाके अपने ससुराल वालों की जो बुराई होती है उसको उसकी उनकी ईबत करने को अपना हक़ समझती हैं कि जी मुझ पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है इसलिए मेरा तो बताना लाजमी है उनकी बुराइयाँ उनकी जो ऐब हैं उनके बताना लाजमी है तो वो लाजमी जाके बताती हैं और वो भूल जाती हैं कि वो गईबत कर रही हैं दूसरी चीज़ हम अक्सर करते हैं शादियों में जैसे यहाँ पर दूसरी मिसाल है कल शादी में दुल्हन ने इतना मेकअप किया हुआ था कि लग रहा था कि आटे की बोरी अपने ऊपर गिरा ली हो तो हम आमतौर पे जब शादियों में जाते हैं तो हमारा ज़्यादा जो ध्यान होता है ज़्यादा जा, जो फोकस होता है वो एक तो दुल्हन पे होता है दुल्हन के ड्रेस पे दुल्हन के मेकअप पे और उसके बारे में फिर हम अपनी राय दिए चले जाते हैं दिए चले जाते हैं कि जी उसका मेकअप ऐसा है या फिर उसके कपड़े ऐसे और वो ऐसी ही, ये वो इतनी ख़ास नहीं लग रही पता नहीं कहाँ से तैयार हुई है सो और तरह की हम बातें कर देते हैं कुछ नहीं तो आपस के आपस में एक दूसरे के ऊपर हम टॉन्ट शुरू कर देते हैं तीसरी मिसाल क्या है कि जी आ, सीमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है मैं कल उससे देखने गई थी तोबा तोबा तवे की तरह काला है हम आमतौर पर रंगों को भी ना किसी के रंग को भी आ, के वो गोरा है या काला है उसको पॉइंट आउट करके उसको ़ीबत करते हैं अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इमामनबी कहते हैं कि जी ़ीबत बदन से मुतल हो इससे मुतल तो यहाँ पर जो है बदतमीज़ और अखलाक जो है यहाँ पर अगर मैं इससे पॉइंट आउट करूँ ठीक है यहाँ पर है बहुत बदतमीज़ और बदजुबान ये किससे किससे ताल्लुक़ है इसका अखलाक से ठीक है दूसरा कल चारही में दुल्हन ने इतना मेकअप किया हुआ था या ये इसका ताल्लुक है बदन से कि हम किसी की बॉडी का मजाक उड़ा रहे हैं किसी का फ़ेस का मज़ाक उड़ा रहे हैं इस यहाँ पर भी ये की तरह काला है तोबा तोबा तो इसका भी जो ताल्लुक है वो है किससे बॉडी से है ठीक है इसी तरह की और भी मिसालें हैं अगर आप लोग को और मिसालें मालूम हो तो आप लोग उसको लाजमी कमेंट करिएगा जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने ढूंढ सकती थी उतनी मैंने यहाँ पर लिख दी ठीक है अब बात यह है कि जी जो हम ईबत का जो ताल्लुक है ना वो दो चीज़ों से है क्योंकि जो ईबत करने वाला ना दो गुनाहों का इतकब करते हैं एक तो वो हकूकल में कमी करता है दूसरा हुकूकुल इबाद में कमी करता है अल्लाह में कमी कैसे करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज तौर पर यहाँ पर आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये यह आयत जो यहाँ मैंने इंसर्ट की है वाज तौर पर अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है ना ईबत से उसके बावजूद हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके हम ईबत करते हैं तो एक तो हम हकूकल्ला में कमी करते हैं दूसरी एक तो ये हो गया दूसरी जो हम करते हैं हुकूकुल इबाद में कमी वो कैसे करते हैं कि हाँ, क्योंकि हम बंदों के हक़ में कमी कर रहे होते हैं उनके उनका सबसे पहला किसी भी इंसान का जो हक़ है वो ये है कि हम उसको इज़्ज़त दें तो हम अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त को पामाल कर रहे होते हैं उसकी इज़्ज़त में कमी कर रहे होते हैं तो अच्छा जी माजरत के साथ मैंने ज़रा वीडियो को पॉज कर दिया था किसी वजह से अच्छा जी हम कहाँ पे थे हकूक इबाद में कमी पे थे ठीक है तो इंसान दूसरों की बुराइयाँ करके उनकी आबरू उनकी इज़्ज़त को लोगों में उछाल कर दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त पर हमला करता है अच्छा हकूक अल्लाह में जो कमी हम करते हैं तो उसका कफ़ारा कैसे अदा करेंगे कि हम अल्लाह ताला के आगे नदामत और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं ठीक है उसके बाद जो हम हकूक इबाद में कमी करते हैं उसका तदराक कैसे करेंगे कि जिसकी ईबत की हो उसके पास जाकर या कोई ख़त या ई मेल लिख कर माफ़ी मांग लेंगे और इस फ़ेल पर शर्मिंदगी का इज़हार करेंगे और आइंदा ईबत ना करने का इधा करेंगे ठीक है मतलब अहद करेंगे कि हम किसी की गीबत नहीं करेंगे और अगर वो शख़्स हयात नहीं तो उसके लिए यूं दुआ करेंगे अल्लाना हमें और उसको बख्श दे अल्लाह मकफ़िर लाना वलू ठीक है तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक तो हमने ईबत की मिसालें देखी दूसरा हमने देखा कि ईबत का जो ताल्लुक है वो दो चीज़ों से क्योंकि ईबत करने वाला दो गुना होकर अरतिक करता है ठीक है हुकोकल्ला में कमी और हुकोक इबाद में कमी ठीक है तो आज का जो एपिसोड था वो यहीं तक था इन नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी आज की जो वीडियो है वो तो बहुत ही कम है और जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वॉच टाइम वॉच टाइम है वीडियो का वो लाजमी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़ आप लोगों के इस वॉच टाइम की वजह से वीडियो वायरल हो सकेगी यूट्यूब परमिशन देगा व्यूज़ आएंगे वरना यूट्यूब इसको बेकार कंटेंट समझ के साइड पे फेंक देगा और फिर वो वीडियो का वायरल नहीं होने देगा ठीक है तो सो तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी वालेक वरमि वबरकू